जहाँ चार बाल मिल जाए वहीं। मतलब बहुत ही एक्साइटेड और मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं रणवीर शौरी सर मेरे साथ। थैंक यू। बताइए नॉमिनेशन में तो पहुंच गए हैं, अवार्ड फंक्शन में आए हैं, रेड कारपेट में वैसे ही मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? मेरी तो आज नॉमिनेशन हो गई, मैं आई एम ऑलरेडी फीलिंग लाइक अ विनर। मेरी तो नॉमिनेशन ही नहीं होती नॉर्मली। बट ऐसा क्यों है कि नॉमिनेशन नहीं होती, जबकि आपने तो बहुत बेहतरीन फिल्में की हैं, बेहतरीन किरदार? आप जो नॉमिनेट करने वाले हैं उनसे पूछिए, मैं तो आपको इस तरफ का हाल बता रहा हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी आज नॉमिनेशन हुई है, जीतूँ चाहे ना जीतूँ, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, अगर मैं रणवीर से जानना चाहूँगी कि मतलब अगर अवार्ड्स की बात करें तो कितने मायने रखते हैं आपके लिए, जैसे आईरील अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड? देखिए, जिनको मिलते हैं ये उनके लिए होता होगा कि मायने नहीं रखते, जिनको नहीं मिलते हम जैसों को तो पूछिए क्या मायने रखते हैं। मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अक्सर अवार्ड फंक्शंस में जब बातचीत होती है, अवार्ड्स को लेकर के बातचीत होती है, तो कई बार इस तरह की बात करते हैं कि बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस में धांधलेबाजी भी होती है, ऐसी भी होती है, वैसी भी होती है। आपको भी लगता है ऐसा? तो फिर यही मतलब हुआ, तो मुझे तो धांधलेबाजी भी नहीं करनी आती, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए मुझे। तो चलिए बहुत ही मस्ती के मूड में। अच्छा मुझे बताइए कि आप बैग चोर ढूंढ रहे हैं, मिला क्या बैग चोर? 11 अक्टूबर को मिलेगा सबको, और मैं लगाऊंगा डंडे सबके जो बैग लेके भागे हैं। काले धन की बात हो रही है मतलब, और बहुत सारे आजकल लोग भी मिल रहे हैं ऐसे जो काले धन के चक्कर में पकड़े जा रहे हैं। हाँ नहीं, काले धन के ज़रिए, और आई थिंक राजेश कृष्णन जो कि जो फिल्म के निर्देशक हैं और मेरे दोस्त भी हैं, उनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, बहुत सक्सेसफुल एड फिल्म मेकर हैं, ही इज़ वन ऑफ द फनीस्ट गाइज आई नो। तो जब उनकी पहली फीचर फिल्म बन रही हो तो दोस्त क्या कोई भी ना नहीं कह सकता उस चीज़ को। सो उनका एक यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्वर्क है, जो कि बहुत खुल के आपको दिखाई देगा लूट के, इसमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है एक्चुअली ट्रेलर वगैरह में ही। सो 11 अक्टूबर को मज़े आने वाले हैं बिल्कुल, अब फिल्मी पर्दे पर तो मज़े आने वाले हैं। रणवीर आपसे जानूंगी, अगर हम कंटेंट की बात करें वेब सीरीज़ में, आपकी अपनी वेब सीरीज़ के अलावा कौन सा मतलब इस तरीके का कॉन्टेंट है, कौन सी वेब सीरीज़ जो आपकी फेवरेट है जो आप अक्सर देखते हैं? एक्चुअली मैंने ज़्यादा इंडियन वेब सीरीज़ इतनी देखी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ज़्यादा मैं अभी तक फिरंगी देखता रहा हूँ, और एक्चुअली वेब सीरीज़ का ये भी हुआ ना कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कंट्रीज़ की का की स्टोरीज़ और कंटेंट देखने मिल रहा है, सो वो उस चीज़ में तो मज़ा आ रहा है। मतलब और कितना खुलापन यहाँ पर महसूस करते हैं, जैसे फिल्मों में होता है कि फ्राइडे डिसाइड करता है स्टार्टअप, टीवी में होता है कि टीआरपी डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है? नहीं, आई थिंक यहाँ पे भी होगा कि कितना, अगर अभी नहीं है तो होगा, बिकॉज इसमें हम लोग इसमें कहते हैं डेटा, डेटा इज़ गोल्ड, जिसे कहा मोदी जी ने, वहाँ पर सुना होगा आपने। तो आई थिंक दैट विल स्लोली स्टार्ट मीनिंग मोर। अभी तो ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ जो दूसरी जगह अप्लाई करती थी वो यहाँ भी अप्लाई करेगी, कॉन्टेंट इज़ किंग। चलिए बिल्कुल, आप ऐसे ही धमाल मचाते रहें, लेकिन हम चाहेंगे कि न्यूज़ 18 हिंदी के साथ एक छोटी सी मस्ती और हो जाए। बोलिए ना। आपको कुछ वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना। कोशिश करेंगे, बट मैं आई एम नॉट वेरी गुड विद हिंदी, ज़्यादा अंग्रेजी बोलता हूँ। फिर तो और मज़ा आएगा, और मस्ती भरे वर्ड्स निकलेंगे। ईयरफोन को हिंदी में क्या कहते हैं? कानफोन। कर्ण यंत्र। नो, व्हाट? कर्ण यंत्र। कर्ण यंत्र, ओके ओके। टीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? टीचर के तो बहुत हैं भाई, एक कहाँ है हमारे हिंदी में तो एक से ज़्यादा है, अध्यापक। चलिए ठीक है, गलत है? नहीं नहीं, अच्छा है, अध्यापक, गुरु, मतलब आपने बोला ना बहुत सारे। हाँ, गुरु बोलो। एक्टर। अभिनेता। अच्छी हिंदी आपकी। सरनेम। सरनेम को क्या कहते हैं हिंदी में? ओह यार, ये बहुत लोगों के ना ऐसे होते हैं, मतलब बोलते ना ये है, क्या हो गया यार? उपनाम। हाँ, उपनाम, नाम उपनाम, सॉरी यार। कैमरा। 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 चलचित्र पेटी। हाँ, चलचित्र पेटी। क्या? पेटी, चलचित्र पेटी। चलचित्र पेटी, तो उसको प्रोजेक्टर को नहीं बोलते चलचित्र पेटी? कैमरा को भी वही बोलेंगे ना। कैमरा और प्रोजेक्टर सेम कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, चलचित्र पेटी कैमरा को भी बोलते हैं। कैमरा और चल, कैमरा और प्रोजेक्टर का सेम वर्ड है, जैसे कल है ना, आगे वाला भी पीछे वाला भी कल है। कैमरा को, चलचित्र पेटी को, प्रोजेक्टर को? प्रोजेक्टर का मुझे नहीं पता, कह रहा हूँ ऐसा कुछ होगा। एनीवे, अच्छी डिस्कशन, मतलब एकेडमिक डिस्कशन। अच्छा चलिए बताइए, सोशल मीडिया को क्या कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन। सोशल मीडिया को गंद मचाना है ना,
अच्छा, इसी से और एक चीज़ बताइए, लास्टली आपने किसको क्या कहती है सोशल मीडिया को? सामाजिक माध्यम। सामाजिक माध्यम नहीं नहीं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब आपने बोला सोशल मीडिया को गंद मचाना कहते हैं, लास्टली आपने किसको देखा था सोशल मीडिया पे गंद मचाते हुए? सोशल मीडिया पे जिसकी भी प्रोफाइल फ़ोटो ना हो और नाम ना हो और नाम की जगह नंबर हो, वो गंद मचाने आया है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी ने आपके साथ गंद मचाई है? ट्रोलिंग तो रोज़ होता है जी। मैं तो मुंह ना ही खोलूं तो लोग चुप रहते हैं, मुंह खोलता हूं तो लोग गालियां देते हैं। सोशल मीडिया का ये हाल है। कैसे डील करते हैं आप? मतलब नहीं, कभी कभी मूड देख डिपेंड करता है, टाइम और मूड क्या है। अगर टाइम और मूड हो तो कब हम भी फिर कभी वापस देते हैं, बाद में डिलीट कर देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच उनसे बात करने के लिए। और चलते चलते न्यूज़ 18 हिंदी के व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ मेट्रो पार्क देखें इरोस नाउ पर, जिसके लिए आज मैं नॉमिनेटेड हूँ आई रील अवार्ड्स पे। एंड थैंक यू वेरी मच टीवी 18 फॉर नॉमिनेटिंग। थैंक यू सो मच।